गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी उठ रही हूँ, मैं उठ गई हूँ। एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ ऐसे सो के बात करने पे ही नेटवर्क आ रहा है। हेलो, बैठने पे नेटवर्क नहीं आ रहा, इस वजह से मैं वहीं सो के इससे बात करना होता है कर लेती हूँ। माय मॉम कमेंट में आला है, आप अपनी मम्मी से आलू कचालू निमोना बनवा के ढेर सारा सब खाइए, अच्छे अच्छे गाँव एंजॉय करिए। इनका निमोना कहाँ से खाई? अभी तो निमोना का मौसम ना है। ए मम्मी बोला है, इतना आटा का हुआ ला, कितना दो आटा फिर भी खत्म भलोई आधा आधा। एक और है इतना? नहीं, आधा सब्जा निकाला खत्म हो गया आधा। चला भैया, जब सोचा थी खत्म कर दी, ज्यादा जब ले ना जाए पड़े। अरे जोहरी रूबी कहा दे दिया कि कल्याणी रोटी का खा के दिखाई बू तो गांव वाले को दिखावा तो ठीक है, हम देखी तो और सब गांव छोड़ो ना, हमें देखा होगा। देखा जाथन भोले ताकत जाथन तो कर। गांव वाले देखा ठीक है, हम ना देखी कहा। आटा पानी लगा के आटा सान दे लूँ मम्मी, और फिर क्या कर लूँ? नहीं गरमाए में पानी जरा सा तेल डाली लाऊं। आज मम्मी का देखा आलू पराठा कैसे बनानी, आज देखूंगी मम्मी आलू का पराठा कैसे बनाती है, फिर मैं बनाऊंगी वहां जाके। खबर देखा पहले का चोखा देखा। ठीक है, झमाकेदार बनाना चोखा। बच्चा खेते में से आया वाला तो वहां दीदी का चादर पूरे बच्चा बोल था पीछे मचा है। हाँ फिर हाँ दीदी, मरचा का पेड़ लगायो का दीदी पीछे? आई जान से लेकर गैया खाई नहीं तो खूब खतरा था कर ला। तीन चार पेड़ ना पर ये लगाए रे अशोक का रहा लगा। कहाँ निकला था? कहाँ निकला था? घोल खा जा रहा। वैसा खाई वो अभी मैं सुनिया सुनिया मैं हो गई थी ग्लूटेन फ्री, मेरा पेट निकल गया था, मैं बहुत ही बीमार हो गई थी, इसलिए मेरी सासू माँ ने मुझे छोड़ दिया। सही बात, किसी की औलाद को ऐसे रोगी रह रही थी, रोगी उसके घर में बैठी थे भाई। घर हमारे लिए सुबह रहा, जितना दिन रहे बीमार रहे। अब बतावा ले हमें चुकंदर ना दे दूँ। अच्छा भाई चुकंदर का है जय बच्चों अपने भरोसे भाई यहाँ है तो छुप यू ना अपने भरोसे पर तो छुप जेकर केहू ना लगा ओकर भगवान बालाजी महाराज दिल में सिंह से मंगर हो जाए कि मंदिर कच्चा बादाम हाँ कच्चा बादाम देने बस। अरे आज बालाजी का दिन, बोलो बाला महाराज बालाजी महाराज की। मम्मी बना रही हैं इतना सारा सामान भी की। मम्मी तो हर स्टार्टिंग से आदत है टिटिबा वाला कमरे भी साफ सोच रखे आता था मैंने तेरा पनीर कर मम्मी बना रही हैं आलू के पराठे, मुझे देखना है कैसे बन रहा है।
ग्लूटेन फ्री बता रहा कि देखते क्या आलू पराठा ना बना। ये है ग्लूटेन फ्री आलू का पराठा। ग्लूटेन में ग्लूटेन का आटे से पराठा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मेरी मम्मी श्री बना रही है। अरे दादा, अरे दादा इतना धीरे धीरे चलावे क्या? हमारा तो तवा जल जाए तब तक में फट जाए इतना धीरे धीरे चलाओ। बस इतना थोड़ा और पतला करा ना मम्मी, परथन लगाई भू मम्मी ने तो ना फटी। बस फट जाए ऐसे गोल सी। गो मम्मी की रोटी ग्लूटेन फ्री गोल गोल। ला ऐसे पोसा मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी का रोटी पापा का पैसा गोल गोल। पापा कहा कलहरे के वाह पैसा ले वो जितना देवा मेरा है कुल पैसा कलहरे के। आज वो भी कहा कि तू कलहरे के वाले लो हमके ना। अच्छा तो कदा तू इच्छा कमाना लू सा खुशी के ना। ये के भगवान जी चढ़ाया होगा। एक कड़ा है आटा वो तो हम सेक ले मम्मियों का कोनो दिक्कत ना है। आलू को पराठा ज्यादा देर तक ना रख सकते, कड़ा हो जाए ना ये रोटी आटा। ग्लूटेन फ्री कड़ा हो जाता है इसलिए फटाफट गरम गरम खा लो। एक चीज का तो है। आवा जी जी ग्लूटेन फ्री पराठा खा ला। आवा मैं थोड़ा स्लो करा मैं। हमार सास देखिए तो कहीं पिटिया जैसा नहीं लो ऐसे माइयो जरा दे थी आ पराठे जाते हो पहला हवा ये जासी रह रही है अब थोड़ा मजे दी ये फूली क्या वापस सास के दिखाया। हम कहें अपने सास के दिखाई और हमार सास है ही ना। वो हम कहें अपने सास के दिखाई वो हम जज करिए बताइए बड़ी आली बताओ वाली। अरे हम कलिया ना गल सोनार के दुकनिया पे तो कहा थे लगा था लड़किया के शादी रहला होत रहला और बहिन और माई की दादी के संगे रहनी है तो कहती इस सास ननद के छोट छोट वाली ऐसे तो कहती तो सास ननद को दिलवाने के पीछे पड़ी है तो कहती कि लड़किया कहती हम तो कहती सास ननद के देवक कौन जरूरत है कौन लेना देना सास ननद से है शादी होएगा लड़का से लेना देना है और किसे। हम ऐसे पलट के देखे देखते रह गए हमका बाहर है आजकल का पतो मने में तो असलियत यह रहा था सही हो रहा था कुछ ना खराब हो पतो भी खराब हो कुछ पतो ना खराब हो सास ना खराब हो सास भी खराब हो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी तोरी तोड़ने के लिए और मैं जब पराठे बनाना सीख रही थी ना मम्मी से मैंने अच्छा खासा वीडियो बनाया था यार। वो पता नहीं क्या स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रहा है कि मतलब जब लॉन्ग वीडियो मैं बना रही हूँ ना जैसे 10 से 15 मिनट हो जा रहा है तो उसमें कम से कम 10 मिनट तो ठीक दिख रहा है 10 मिनट बाद जैसे वीडियो ना चल ही नहीं रहा है वहीं पर पॉज हो जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत ट्राई किया फिर मैंने कहा छोड़ो उसको कट करके निकाल देते हैं और उसके आगे का आप लोगों को दिखाते हैं ठीक है। तो यहाँ पे मैं तोरी तोड़ रही थी और सच बताऊँ तो एक दिन बाद की दो दिन बाद की तोरी है ये और 3 किलो तोरी निकला था 2 किलो और तोरी निकला यार सच में। तोरी इतना ज़्यादा महंगा मतलब 60 रुपये किलो मिल रहा है हरी सब्ज़ियाँ तो मैंने बोला फ्रिज में रख दो और आराम से खाएंगे और 2 किलो तक लगभग तोरी निकल गई थी अभी आप लोग को देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं कैसे देख देख के पूरा तोड़ रही हूँ। और इसमें ना कुछ जैसे होता है ना कि इसका बीज बड़ा वाला तोरी बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो उसको मैंने छोड़ रखा है कि उसके बीज जब पक जाएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम बोने के लिए ना काम देंगे। मोरे खेत में रखे रहा फ्रिज में कैसे मोटा गया इतना ऊपर डाली ले जाओ जुठवा कटवा दो ये सना कैसे तोड़ी जाते हो भारी जाता पर अभी जाते हो भाई दादी जी आओ तो ऐसा परसों अभी निकाल लगाने में ऊपर दे देखा था। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि। मम्मी देखा कहाँ देखा मम्मी पता नहीं काका कुल देखा तो रहा नहीं खाती के। मैं यहाँ पे अपना लॉकेट भी दिखा रही थी और साथ में बड़ी मम्मी को बैग चाहिए था क्योंकि कल इंगेजमेंट में जा रही थी तो साड़ी रख के रखने के लिए चाहिए था, तो मैं वही दे रही थी और लॉकेट दिखा रही थी कि मैं लॉकेट लाई थी जो सोने का ओम का, आप लोगों ने बैक वीडियो देखा होगा तो व्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो इसी के साथ कल बहुत सारे कमेंट आए एक वीडियो पर कि जो मैंने अपने सास वाला बनाया था ससुराल वाला, तो उस पर कमेंट आया था। तो इसमें से एक कमेंट मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि लिखा था कि आप अब अपना हक ले नहीं सकती, आपका कोई हक नहीं है ऐसे कुछ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो यार, हक की बात तो मत करो, अगर मैं लेना चाहूँगी तो मैं ले लूँगी, ठीक है। लेकिन आज 4-5 साल होने को आया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए कि बालाजी महाराज खुद उनका करेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बस यही सोच के मैंने छोड़ दिया। और हक लेने की बात तो मत करो, क्योंकि अभी भी हक मेरा बनता है और मैं ले सकती हूँ। भले वो लोग कितना भी चलाकी करके अपने नाम जमीन कर लिए हों, कुछ भी कर लिए हों, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं अपना, अगर मैं निकलवाना चाहूँ तो निकलवा सकती हूँ। लेकिन वही है ना कि मेरी नीयत ही नहीं थी, स्टार्टिंग से ही मेरी नीयत नहीं थी कि मैं उन पे केस करूं, वो चीज़ें लूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार देखो, उन लोग उनको अपने बच्चे का, उनको अपने पति को छोड़ के पैसे रुपए का बहुत मोह माया है, बहुत लालची हैं वो। लेकिन मैंने ना अपना पति खोया है और मैं ये बोलती थी कि यार मेरा पति गया है और उसकी फैमिली को अगर मैं दुख पहुँचाऊँगी ना, उसके भाई को या उसकी मम्मी को, तो कहीं ना कहीं लवली को ये चीज़ें नहीं पसंद आएंगी कि उसकी भाई और उसकी माँ को कोई परेशान करे। तो बस यही चीज़ें सोच के मैंने, हालांकि लवली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे तो ये चीज़ें उनको नहीं पसंद आएगी, बस यही चीज़ें सोच के मैंने कभी भी एक चीज़ नहीं मांगी है उन लोगों से, ठीक है। तो रही बात मेरे हक की, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है मुझे कहाँ से हक निकलवाना है, कैसे निकलवाना है। कितना भी कोई चलाकी कर ले, कितना भी कोई चलाकी कर ले, कोई किसी का हक मार के नहीं रह सकता। बस वही मैंने लास्ट में वीडियो में जैसे कि कल बोला वैसे ही बोल रही हूँ कि मुझे उस कीचड़ में, कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने ऊपर ही कीचड़ गिरेंगे, तो वो लोग कीचड़ हैं और उस कीचड़ में मैं नहीं जाना चाहती। जो पीछे हुआ है ना, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है मेरे पे जो नुकसान, मेरे पे जो धब्बे पड़ेंगे ना कीचड़ के डालने के बाद, वो मुझे नुकसान देंगे। तो बस यही है, चलो यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।